Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just to me in the family. Credit cards in the scammers. Getting the licks in the van. Legacy. गाइस वेलकम टू H4K सैम गेमिंग H4K स्क्रिम्स का हमारा सेनो का हमारा ये गेम है एंड टीम्स की फाइट होती नज़र आ रही है। हमें TW के प्लेयर्स टीम XR को एलिमिनेट कर चुके हैं जो कि बोट कैंप आए थे। TW जोकर ओपी ने यहाँ पर 3 किल्स लिए हैं, 1 किल आए ड्यूड ओपी ने, बाकी लेजिट भी यहाँ पर लूट करते हुए। टीम XR आई थी यहाँ दूसरे मिडिल बिल्डिंग में है टीम डेल्टा के प्लेयर्स अनमोल एंड शिवम, वो भी लूट कर रहे हैं। तो TW के प्लेयर्स उनकी फाइट रहेगी। दूसरी साइड ही है TW ऑफिशियल के काजी फारूक एंड चंदन, अभी डुओ वो लूट कर रहा है। यहाँ हैटिन के अंदर टीम एक्सी लूट कर रही है। टीम 77 SC खाओ गई है, वहाँ पर रेज भी जाती है तो रेज के साथ ड्रॉप क्लैश होता हुआ टीम 77 SC का। डार्क गोड हाइपर रिबेल कैरी एंड गच्छनूब, यहाँ टीम 77 SC नहीं है, ये न्यू टीम्स बोल सकते हैं हम इसको। टीम नंबर 21 को अनटच क्या थे वो अनप्रिडिक्टेबल टीम 77 SC के डेल्टा ओमी इन्फर्नल एंड स्टार्क ओपी वो कर रहे हैं कैंप चार्ली लूट कर रहे हैं। कैंपोंग के अंदर है टीम रेज 2.2, वहाँ पर गैंगस्टर जी के रेज गूस रेज जीरो रेज ऑक्सी चारों प्लेयर्स H4 के प्लेयर्स भी वहाँ हैं। रेज ऑक्सी ऑफलाइन खड़े हुए हैं। लचिट ने एक और नॉक दिया यानी कि शिवम गेट नॉक डाउन टीम डेल्टा के ऊपर चार्जिंग करते हुए नजर आएगी। शायद टीम TW चार्जिंग क्या करेगी, उससे पहले ही ऑल डेड कर दिया टीम TW बूट कैंप के अंदर काबिज होती हुई। अर्ली फाइट में 6 किल्स उन्होंने उठा लिए हैं। जोकर ओपी के पास 3 हैं, 2 हैं लेजिट के पास, 1 है ड्यूड ओपी के पास। वो किल्स टीम वाना अपना तेवांग का लूट करेगी। रूइन से टीम रो के पास और मेजर्स जो पाइनन के क्रॉस है या पाइनन में ही है सोले हम्माद इज़म के साथ। सोलो प्लेयर क्लोन ओपी भी वहाँ पर आया हुआ है ज़रूर, उसको फुटप्रिंट क्या सुनाई दिए हैं मेजर्स वाले को। मेजर्स वाले पूरा ओपन से आ जरूर रहे हैं जी, बिल्कुल साउंड आए हैं या नहीं आए अभी पता लग जाएगा। आई थिंक सो आ गए हैं क्लोन ओपी जो पीछे हल्कल कर दे रहे हैं। फिलहाल रेज गूस को नॉक कर दिया, रेज ऑक्सी को नॉक एंड फिनिश अप डाल दिया H4 के रेयोगा ने। यहाँ वो ऑफलाइन थे, रेज गूस ने क्लर को नॉकआउट दे देंगे और रेज गूस को नॉक दे देंगे। जय एक अच्छा कवर फायर देते हुए जय अपने प्लेयर को एंड यहाँ से टीम रेज के 0 बचे हुए हैं। गैंगस्टर जे के बचे हुए हैं, जय थोड़ा ओपन में आ गए स्मोक की चार्जिंग करते हुए। ये कैम चलेगी यहाँ पर गैंगस्टर जे के की बैरल से, जय को यहाँ पर कवर फायर देने की चाहत बट स्मोकी को नॉक किया था। फिनिश ऑफ भी डाल दिया गया क्लोन ओपी हम्माद की ओर से, फिनिश ऑफ हो जाएंगे। रेड जीरो अपने प्लेयर को रिवावल देना चाहेंगे क्या गुस को, आई थिंक सो हाँ अभी के लिए देखते हैं। क्लर रिवावल हो चुके हैं, नीचे ही प्लेयर को रिवाव देने के लिए आ चुके हैं। रियो का थोड़ा नीचे ही गए हुए हैं। लेट्स यहाँ पर क्या रहती हैं फाइट्स टीम रेज के साथ, रेज 2.0 के साथ। रियो का नीचे जंप कर चुके हैं और सामने ही पाएंगे प्लेयर्स को, फिलहाल सामने आ चुके हैं सर जी के और बहुत ज़्यादा लो दिया था रिके ने। जे का एक कवर फायर दोनों ही प्लेयर्स को फिनिश ऑफ करेगा। किलर आके एक ओपी किलर फायर देखते हुए मिलता हुआ, दोनों किल्स अपने नाम करते हुए। जे ने अच्छा ट्राई किया था, रेयोगा का भी एक सही ट्राई था बट स्मोकी यहाँ से फिनिश ऑफ हो जाएगा। रेयोगा को टच कर दिया गया रिवाइवल के लिए। किलर की ओर से टीम H4 के अपनी फर्स्ट फाइट निकालते हुए 19 टीम 61 प्लेयर्स बचे हुए हमारे गेम के अंदर। कैंप ब्रावो की बात कर लो तो टीम CH भी लूट कर रही है, चिमटू ओपी, आकाश ओपी, अपूर्व ओपी, तीनों ही प्लेयर्स लूट कर रहे हैं। वो लकावी एंड भान का एरिया टीम फोनिक्स के प्लेयर्स लूट कर रहे हैं। जहर ओपी डेड शॉट एंड होला, यहाँ कैंप चार्ली के कैंप अल्फा के अंदर आपसी फाइट होती हुई टीम अल्फा के प्लेयर्स की, मोली मोली खेल रहे हैं यहाँ पर एक दूसरे से ही, ऐसा तो नहीं होता ब्रो। यहाँ मोली मोली खेल रहे हैं अल्फा के प्लेयर्स और टीम रो के प्लेयर्स रूइंस का लूट कर अपना रोटेट करते हुए। टीम मोव के क्लोज में है टीम XR का, XR 2.0 का लाइन अप, स्कल, रैम्पेज, GS, तीनों ही प्लेयर्स मोव के क्लोज में। मोव फ्लीज लिसली, मोव माइटी, मोव आर्सेनिक एंड मोव AK, चारों ही प्लेयर्स यहाँ पर लूट कर रहे हैं। पैराडाइज और आई डोंट नो क्यों नहीं गए, यहाँ पर दो टीम्स ऑलरेडी, टीम डाकू है एंड एक और टीम है टीम 23 का सोलो प्लेयर वहाँ पर TW ऑफिशियल के पास ये फर्स्ट नॉर्मल ड्रॉप आता हुआ एंड बदरू जो सोलो प्लेयर यहाँ पर है हमारा पैराडाइज रिसोर्ट के अंदर। टीम डैडी के प्लेयर्स चार्जिंग कर तो रहे स्क्वैंकी विद एन K9 का डार्क शॉट को देंगे नॉक एंड टीम रेज क्या स्लैम देगी टीम नंबर 21 के ऊपर। डार्क गोट के ऊपर शॉट पड़ चुका है, टीम रेज स्लैम देते हुए कार्य TW का यहाँ पर शॉट पड़े थे बट रेंज इन जगह अच्छा को भी दिखा देंगे नोक निकाल कर एंड अपर साइड चार्जिंग करेगी टीम रेज। रेज क्रैंकी को कारी ने 1v2 बहुत ही अच्छा निकाला अभी के लिए। इधर हम मोबाइल से नहीं को नोक करेंगे लेकिन यहाँ पर फाइट तो बहुत ही अच्छी बन चुकी है अब टीम 21 के लिए।
रेज हिटमैन जस्ट सामने ही लेट पाएंगे, बट लेट दिया, बट अच्छा नोक दिया रेज हिटमैन ने। निंजा अब है यहाँ सामने, निंजा एक और नोक देते हुए, लास्ट प्लेयर बचा हुआ है, पीछे से आएगा डार्क गॉड, हिटमैन कर रहे थे हील, अनबिलीवेबल रेज हिटमैन ओपी, व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो, कोने में खड़े होकर बैंडेजेस लगा रहे हैं, बट टीम रेज निंजा ओपी इन द चैट गाइस, 1v3 निकाला है बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड टीम ब्रो की बात करो तो सोलो प्लेयर, सॉरी टीम अल्फा से फाइट ले रही है, मल्टीपल फाइट्स हैं यहाँ पर टीम अल्फा के लिए, एक तरफ से वैनम भी उनको मार रही है, दूसरी तरफ से रो भी क्लोज इन में, सैजी फर्कस गेमिंग का किल कन्फर्मेशन ले चुके हैं, वर्ल्ड वैनम को नॉक करेंगे, रोला मेजर सोले मोव लिस्ली को नॉक कर चुके हैं, यानी कि टीम मोव के साथ डुओ फाइट्स यहाँ पर, मोव लिस्ली का किल कन्फर्मेशन भी लेते हुए, मेजर्स के प्लेयर्स मेजर के एक के भी नॉक पड़े हुए, माइटी रिवाइवल देने का ट्राई कर रहा है टीम मेजर्स, काफ़ी अच्छा चार्जिंग जा रही है, मेजर सोले किल कन्फर्मेशन लेंगे, मोव आर्सेनिक का भी यहाँ से, माइटी एंड ए के दो प्लेयर्स बचे हुए हैं, सोले ने काफ़ी हद तक क्लोज किया था, मोमाइटी जस्ट पीछे की ओर है, प्रोडाउन हो चुके हैं, मोवे के भी रिवावल हो चुके हैं, यानी कि टीम मोव का डुओ यहाँ मौजूद है, द सांप मेजर सोले कुछ ज़्यादा ही ओपन में दौड़ रहे हैं, एक मुश्किलात भरी सिचुएशन उनके लिए बन सकती है, यहाँ उनके टीममेट्स भी काफ़ी दूर है, मैडम साथ रोके एजन को करेंगे नोक, यहाँ डबल मल्टीपल फाइट्स चलती हुई टीम 77 एस सी भी वहाँ जीरो क्लोज, मैडम साथ क्यों वैनम के बैक टू नोक्स देती हुई टीम रो, और लव ने यहाँ पर एक और नोक दे दिया, टीम वैनम्स के 3 नोक्स हो चुके हैं, वैनम हंटर इज द लास्ट मैन सर्वाइवल, और वो भी कब तक सर्वाइव करेगा, टीम रो के प्लेयर्स को उनके किल मिलते हुए, रो के एजन को रिवाइव दे दिया जाएगा, लास्ट के लिए आया है लेजिट ने, लेकिन रो की फिनिश ऑफ हो चुके हैं, टीम वैनम के सैदी को किल मिल चुका है, रो लव रिवाइवल दे रहे हैं रो एजन को, लेकिन थर्ड पार्टी रोल अदा करती हुई टीम टी डब्ल्यू, रोलाव रिवाइवल तो यहाँ से दे देंगे, हील कर पाते हैं कि कर पाते हैं वो देखना होगा, रोलाव अपनी एकेम लेकर बैठे हुए हैं, जो सामने ही आता हुआ प्लेयर दाडी उठ, जो कर अभी को नोक करेगा, रोलाव गन स्विच करेगा, कंटिन्यू फायर, एक और नोक रोलाव की ओर से, बट यहाँ रिवाइवल सीन हो गया भाई, लजिट ने एक अच्छा बचा लिया अपने आप को, लेकिन थोड़ा चौक कर दिया यार रो एजन ने, मेरे हिसाब से रिवाइवल हुए थे बट उसके बाद में, लेकिन थर्ड पार्टी क्या टीम रो बोल्ट अदा कर रही है, अब यहाँ से फोर्थ पार्टी का रोल, यहाँ बिल्कुल फोर्थ पार्टी के लिए जाती हुई टीम बोल्ट, जो कि ऑलरेडी उनको पता है वहाँ पर फाइट हुई है, नोक हुए, शब्बीर सीधा पुशिंग देते हुए, रिवाइवल तो एक प्लेयर तो हो जाएगा, जोकर नहीं हो पाएंगे रिवाइवल, या द ड्यूड एंड लजिट दो प्लेयर्स नोक एंड दो प्लेयर्स हील कर चुके हैं, जोकर ओपी थोड़ा अंदर जाने का ट्राई करते हुए, लेकिन बोल्ट वैनम का वो ग्रेनेड गिरेगा, जो जोकर ओपी का किल कन्फर्मेशन लेके जाएगा, था ड्यूड यहाँ पर जेमिद्रेक्स से यहाँ, लेकिन लेजिट नॉक आउट हो जाएंगे, ड्यूड इज द लास्ट मैन सर्वाइवल टीम बोल्ट के, वैनम ने वो किया था चार्जिंग, अकेला प्लेयर 1v3 सिचुएशन, हील कर रहा था, दो नोक एक फिनिश ऑफ डालेगा, एक नोक डालेगा, बी टी द ड्यूड ओपी इन द चैट गाइस, लास्ट प्लेयर बचा हुआ है यू जी के सामने, नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा लो था, बोल्ट रेस पाई अपने प्लेयर को रिवाइवल दे देगा, लेकिन एक किल बहुत अच्छे से दिला के लेकर गया अपनी टीम को, टीम टी डब्ल्यू का द ड्यूड भाई, एक और टीम यहाँ पर, टीम 77 ऐसी द फिफ्थ पार्टी टीम गाइस, द फिफ्थ पार्टी बैक टू बैक क्या ही टीम्स आ रही है यहाँ पर, एक क्या ही फाइट्स बन रही हैं, फिलहाल जोन की बात कर लो तो हैट इन के अंदर जोन है, यहाँ टीम एक्स डी बैठी हुई है, टी डब्ल्यू ऑफिशियल जोन के अंदर है, रे जोन के अंदर है, बाकी सारी टीम जोन पकड़ती हुई नजर आ रही हैं, मेजर स्कैन मोव की फिर से फाइट देंगे जो हो सकती है, और यहाँ टीम बोल्ट का डुओ जो बचा हुआ है पूरा एक जगह पर होल्ड कर रहा है, हील कर रहे हैं अपने आप को, वो दोनों ही प्लेयर्स पेटी ही पेटी नजर आ रही हैं हमें यहाँ पे, फिलहाल यहाँ नेट को किया है टीम बोल्ट के शाबिर ने, और ये नेट प्री ग्रेनेड के रूप में ग्रेनेड तो जा रहा है, बट टीम 77 एसी को उस ग्रेनेड से ही पता चलेगा पीछे टीम होने का, और यहाँ मुश्किलात बढ़ती हुई टीम बोल्ट के लिए, 31 मीटर दूर हैं जोन से वो प्लेयर्स, और जोन का उनको मालूम नहीं यहाँ से, सॉरी सामने वाली टीम को मालूम हो चुका है कि सामने प्लेयर्स हैं, तो फुल पोजिशन अपना टीम 77 एसी पीछे बोल्ट के ऊपर बनाए रखनी चाहिए, टीम फोनेक्स के प्लेयर होला को नॉकआउट देते हुए, टीम सी एच बी के अपूर्व ओपी इंस्टेंटली फिनिश ओ बी डालते हुए, लेकिन जार ओपी ने एक अच्छा नॉक दिया है अपूर्व ओपी को, आकाश ओपी द लास्ट मैन सर्वाइवल फॉर टीम सी एच बी, फोनेक्स वर्सेस सी एच बी की फाइट, हंटर वहाँ पर सोलो प्लेयर नजर आ रहा है, डी सी हंटर, डी सी हंटर इज द सोलो मैन सर्वाइवल टीम सी एच बी की, आकाश ओपी सोलो मैन सर्वाइवल, और टीम डाडी वहाँ पर काफ़ी लोज है, टीम फोनिक्स की बात कर लो तो डैशोड एंड जहर ओपी दो प्लेयर्स बचे हुए हैं, पूर्व ओपी जिस पोजीशन में नोके और रिवाइवल नहीं पॉसिबल है ना ही किल, फिलहाल तो शाबी नोक करेंगे मोव के एक एक को, और मोव माइटी एक प्लेयर नोक देंगे बोल्ट का, लेकिन बोल्ट स्पाइस को फिनिश ऑफ कर देंगे मोव माइटी को भी, यानी बोल्ट के प्लेयर्स बहुत अच्छे तरीके से एक एक किल बांटते हुए अपना, और बोल्ट की स्पाई अपने प्लेयर को रिवाइवल भी देते हुए, 12 टीम्स 34 प्लेयर्स पूरा जोन टीम एक्सडी के पास, इकलौती टीम ऐसी है जो जोन के अंदर है,
बोल्ट के स्पाइक का इमोट बनता हुआ। पर ऐसे हजार ओपी को किल कन्फर्मेशन हो चुका है अफोर ओपी का। जहर ओपी यहाँ से एक और किल कन्फर्मेशन लेते हुए अपने लिए टीम फोन एक्स के प्लेयर। यहाँ 16 प्लेयर था लेकिन 8 सेकंड बाहर जोन चल जाएगा। 11 टीम्स 31 प्लेयर्स हैं और जिसमें 9 टीम्स 8 टीम्स जोन के बाहर हैं। टीम रेंज अगर ब्रिज पर रुक गई तो बहुत ज़्यादा किल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन टीम एच फोर की फायर टीम एक्स आर 2.0 से जे को नोक दिया है। जी एस ओ पी बहुत ज़्यादा लो है यहाँ से और टीम एच फोर के फाइट्स में जे नॉकआउट हो चुका है। मोलोडोल गया जरूर है रयोगा की तरफ से, क्या वो पढ़ने वाला है? रयोगा भी पूरा होल्ड करे हुए, क्लर भी होल्ड करे हुए एक्सपोजिशन। जे रिवाइवल होगा या नहीं होगा वो अभी देखने को मिल ही जाएगा। मैं रयोगा अपने आप को फुल बूस्ट करता हुआ, नेट जरूर थोड़ा बहुत क्लोज आया है बट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। क्लर की ओर से अर्जिन होता हुआ, क्लर ने एक अच्छा नोक निकाला इस कल को, इन साइड फिनिश ऑफ डाल दिया। किल यहाँ पर कवर फायर के रूप में रयोगा भी गए थे एंड जी एस ऑलरेडी काफ़ी लो हैं एंड जे भी यहाँ से रिवाइवल हो जाएंगे। टीम एच फोर के 3-man स्क्वाड खेलती नजर आएगी। डेड शॉट गेट नॉकडाउन में द वीकर डेस्ट्रॉयड, डेड शॉट यहाँ नॉकआउट हो चुका है फिनिक्स का। डैडी का प्लेयर्स फाइट ले रहे हैं टीम एच फोर के यहाँ तीनों प्लेयर्स के साथ। डैडी फैल डेड शॉट को करेंगे किल कन्फर्मेशन। मेजर हम बात करेंगे 77 एस सी इन्फर्नर को नॉक। मेजर एजम इन्फर्नर का किल कन्फर्मेशन लेते हुए और डैडी के फ्रोज यहाँ पर टीम मेजर के हम बात करते हुए स्लैम और एक नॉक देंगे टीम 77 एस सी का, लेकिन डाल्टा उनको नॉकआउट दे देंगे और इंस्टेंटली किल कन्फर्मेशन। थोड़ा सा लेट मिलता हुआ मेजर सॉले ऑल्सो गेट नॉकडाउन बाय 77 एस सी डाल्टा। मेजर एजम लंसमैन सर्वाइवल 1 KM के साथ थोड़ा लेट कर दिया, दो प्लेयर्स ने सामने से टीम मेजर गेट एलिमिनेटेड। टीम 77 एस सी 3 किल्स लेकर एक ही पोजीशन से 3 विकेट्स लेकर अपना आगे बढ़ेगी। टीम एच फोर के प्लेयर्स यहाँ पर खात्मा करते हुए आई थिंक सो टीम एक्स आर का जी नहीं, एक प्लेयर को नोक फिनिश ऑफ डाला है, एक और लास्ट किल बचा हुआ है। रैंपेज यहाँ पर नोक देगा रयोगा को और फिनिश ऑफ डालेगा जितना एस टू एल के नोक करेगा किलर को भी। जे प्रोन नोन होकर इसको करेगा फिनिश ऑफ और लास्ट प्लेयर को अपने बचाएगा, रिवाइव देगा यहाँ पर। लेकिन थर्ड जोन है, डैमेज भी काफ़ी हद तक काफ़ी होगा, क्या रिवाइव तो हो जाएंगे लेकिन हील कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो देखना होगा। बैंडेजेस लगा रहे हैं अभी तो अपने आप को वो, जहाँ एक बैंडेज लगाकर फर्स्ट एड पॉपिन हो चुकी है। आगे के लिए अभी फर्स्ट एड नहीं है, अभी देखना होगा। लूट के बाद 150 मीटर दूर जाना है जोन में, क्या टीम एच फोर कैसे निकल पाएगी? टॉप 7 टीम हमें मिल चुकी हैं 18 प्लेयर्स के साथ। टीम डेडी ऑलमोस्ट जोन के क्लोज में है और टीम न्यू हमारा बन चुका है यहाँ से जोन। टीम एक्सी एंड टीम रेज हैटिन के अंदर, हैटिन है टीम रेज का ड्रॉप। टीम डैडी भी पीछे से करेगी एंट्री उसके अंदर, टीम एक्सी है वहाँ पर, यानी कि ड्रॉप पॉइंट पर जब आपका जोन बन जाए तो देखते हैं टीम रेज बना पाती है नहीं बना पाती है, ये चीज़ ये फ़ायदा ये चिकन, लेट्स सी यहाँ पर क्या रहने वाला है। फिलहाल 7 टीम्स 18 प्लेयर्स स्टिल इन द जोन गाइज एंड अभी के लिए हमारी फाइट जारी रहेंगी सारी टीम्स के बीच। टीम डैडी जो जोन पकड़ लेगी आई थिंक सो वाटर के जरिए से, लेकिन बीटी होगा कि नहीं? टीडब्ल्यू ऑफिशियल के साइड से आएगी तो बीटी हो सकता है। टीम एच फोर के जोन से निकल चुकी है, जोन के साथ साथ आगे आ चुके हैं दोनों ही प्लेयर्स। अपनी फ्लेयर ख़राब करके 90s क्लर जी हाँ क्लर आगे जाते हुए एंड जे भी ऊपर चढ़ते हुए ऊपर क्लेम करते हुए टीम एच फोर के प्लेयर्स जोन पकड़ते हुए 80 मीटर दूर हैं अभी जोन से। टीम 77 एस सी अपनी व्हीकल लेकर वो जोन पकड़ना चाहेगी उनके राइट हैंड साइड में, वैसे एच फोर गया लेफ्ट हैंड साइड से। टीम बोल्ट का डुओ अब तक सर्वाइव कर रहा है एंड वो भी जोन पकड़ना चाहेगा। तीन टीम्स के तीनों के डुओ हैं और वो जोन के बाहर। एक और टी डब्ल्यू ऑफिशियल का भी डुओ है, यानी कि 7 टीम्स में 4 डुओ हैं हमारे और 3 हैं हम, एक 5 डुओ हैं भाई, 7 टीम्स अलाइव है, 5 डुओ 2 स्क्वाड 18 प्लेयर्स अलाइव है 17 टीमों में। टी डब्ल्यू ऑफिशियल जैसे कि मैं बात कर रहा था, डैडी के प्लेयर्स उसी साइड से एंट्री लेते हुए 2v2 फाइट रहने वाली है इनकी टी डब्ल्यू ऑफिशियल के साथ और डैडी के प्लेयर्स लगा हुआ उन्हें स्पॉट किया है बट टीम टी डब्ल्यू ऑफिशियल ने किया नहीं है। काजी फारूक का दूसरी साइड स्पॉट कर रखा था चंदन ओपी ने अभी, क्या पास वाले प्लेयर्स का यहाँ पे आएगा उनको स्पॉट। फिलहाल डैडी जैद पूरा होल्ड करके बैठे हुए, अपने प्लेयर को भी आने देना चाहेंगे कवर में, दैट्स वाई वो शायद फाइट लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। डैडी के फैस भी अपने वॉय वोटर आते हुए टी डब्ल्यू ऑफिशियल के प्लेयर्स पूरा प्रोन डाउन होकर अभी यहाँ पे देख रहे हैं काजी फारूक का एंड चंदन ओपी दूसरी ही साइड टीम रेज की ओर एंड टीम एक्सी की ओर। जोन क्लोज हो रहा है, टीम बोल्ट को क्या इस बार जोन पकड़ पाएगी टीम बोल्ट के प्लेयर्स, क्योंकि जोन से बाहर इतना ज़्यादा बीटी आप ले नहीं सकते। 8 फर्स्ट एड हैं साबिर के पास और 9 फर्स्ट एड हैं बोल्ट स्पाई के पास बट वो आ नहीं रहे जोन, ट्राई नहीं कर रहे। यहाँ हील बैटल ऐसे पोजीशन में हील बैटल आई डोंट नो, ये जब आप जोन पकड़ सकते हैं जी दिख भी रही है मुश्किल, वैसे पकड़ सकते हैं इतना ज़्यादा बीटी होता नहीं जोन पकड़ने में यहाँ से, बट काफ़ी लेट निकलते हो यहाँ से बोल्ड के साबिर और स्पाई भी, पर से डर लग रहा है उनको पढ़ने का, वो चीज़ हो नहीं सकती। खैर
हाँ अभी के लिए ट्राई कर रहे हैं, हीलिंग काफ़ी है वैसे, इतना मुश्किल होगा भी नहीं मेरे हिसाब से, हील करते करते पहुंच जाएंगे बोल्ट के शाबिर। तो स्पाई का देखना होगा क्या सीन रहता है, फिलहाल फुल अपने आप को कवर में रखते हुए जा रहे हैं फोल्ड शाबिर, क्योंकि खोफ फुल रहने वाला है। यहाँ पे बूस्टर अपने आप को यूज़ करते हुए डैडी जैद काजी फारूका को एक सरप्राइज नोक देते हुए, सरप्राइज सरप्राइज डैडी जी। और फिलहाल टी डब्ल्यू ऑफिशियल भी यहाँ पर चंदन हो भी बचे हुए हैं, स्लैम हुआ है एमके के साथ, लेकिन बाहर निकलेंगे, बाहर से डैडी का दूसरा प्लेयर देगा कवर फायर, टीम टी डब्ल्यू ऑफिशियल गेट एलिमिनेटेड। डैडी जैद को नॉकआउट दिया गया रेज कर्मा की ओर से, क्या रिवावल दिया जाएगा वो अब देखना होगा। अभी टीम 77 SC डेल्टा नॉक कर देगा टीम XD के पाइथन XT को। टीम बॉल्ट के प्लेयर धीरे धीरे करके जोन तो पकड़ लेते हैं, अभी जोन के एज पे बॉल्ट के स्पाई, जो चीज़ मैं बात कर रहा था वही चीज़ हुआ यहाँ पे। 24 सेकेंड है टीम बोल्ट के प्लेयर्स के पास, अपने प्लेयर को क्या कवर देने के लिए जाने वाले हैं साबिर, आई थिंक सो वो हो नहीं सकता। अब 14 सेकेंड्स से, अब तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बोल्ट के साबिर को जोन पकड़ना होगा यहाँ से। टीम बोल्ट 6 किल्स, दे हैव 6 किल्स, 6 टीम 16 प्लेयर्स बचे हुए हैं। टॉक्सिक को नॉक करेंगे 77 SC के ओमी। यहाँ डेल्टा अपनी गाड़ी लेकर निकलते हुए जोन के लिए, और पड़ेगी उसको पीछे से आई थिंक सो बोल्ट के प्लेयर की, जी नहीं टीम XD के प्लेयर्स की। और बोल्ट का स्पाई किल कन्फर्मेशन भी था, प्ले जोन ही होने वाला है। बोल्ट का साबिर जोन पकड़ने का ट्राई कर रहा है वो फुट, एंड देखते हैं पकड़ पाता कि नहीं। बोल्ट का स्पाई फिनिश ऑफ हो जाता है। 5 टीम 13 प्लेयर्स स्टिल अलाइव इन द जोन गाइस। टीम रेज का फुल स्क्वाड, टीम डाडी का डुओ, टीम XD का डुओ स्क्वाड, सॉरी टीम H4K का डुओ, एंड बोल्ट का साबिर सोलो। देव फर्स्ट 7 फर्स्ट स्टेजेस, देन वो चाहता है कि अपनी प्लेस पॉइंट बढ़ा लिया जाए, बट इट्स अ नॉर्मल स्क्रिम्स ब्रो, सो यहाँ पर पॉइंट्स टेबल तो बनता नहीं है, बट फिर भी ये कचर रहा रहता है। डैडी फेस को फिनिश ऑफ कर दिया गया रेजिडमैन की ओर से, डैडी का एक सोलो प्लेयर बचा हुआ है। डैडी साबिर कंटिन्यू, यहाँ पर बोल्ट साबिर कंटिन्यू अपने जोन में आने का ट्राई कर रहा है। फर्स्ट एड उसकी ओपन हुई नहीं, एक बेटी भी हो सकता था ये फर्स्ट एड ना लगना, फिलहाल ये वाली फर्स्ट एड लगा के सीधा 49 मीटर दूर अभी भाग के जाने वाला है वो प्लेयर जोन के लिए, या 20 मीटर दूर है। एक और फर्स्ट एड यहाँ पे पोपिन कर लिए बोल्ट के साबिर ने, फिर छोड़ दी गई और प्रोन डाउन होता नजर आएगा। जी हाँ बिल्कुल, प्रोन डाउन होता हुआ चार डैडी जैद प्लेयर से फिनिश ऑफ हो जाएगा। 4 टीम्स 11 प्लेयर्स, टीम H4K एज ऑफ द जोन है, कंपाउंड्स कवर भी ऑलमोस्ट है। जी हाँ वेज के प्लेस से फाइट होगी, टीम CHB की फुल फुल स्क्वाड की फाइट है। रेज हिटमैन को नॉक कर दिया सेन वाइटी ने, इन साइड फिनिश ऑफ भी दे दिया सेन वाइटी ने ही रेज हिटमैन को। टीम XD के साथ फाइट है, 3 किल्स है टीम XD के पास। टीम रेज की बात कर लो तो 5 किल्स उनके पास हैं, और फाइट कंटिन्यू दोनों ही टीम्स के बीच। रेज निंजा का ग्रेनेड गया जरूर था, जोन में नहीं है टीम रेज, XD जोन पकड़ चुकी है फुल फुल यहाँ पर बूम बाम करने के लिए। जे तेजी में अपना एक जोन में सही व्यू की वजह से आगे एंट्री लेते हुए और काफ़ी क्लोज करते हुए, क्या किलर भी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जी बिल्कुल किलर भी आते हुए लेफ्ट हैंड साइड से बोल्ट के साबिर एक ख़राब पोजीशन में डाल सकते हैं H4K के प्लेयर्स को अगर स्पॉट कर लें तो। जी बिल्कुल किलर को उन्होंने दौड़ते हुए देख जरूर लिया होगा, लेकिन टॉक्सिक यहाँ पर नोक देंगे रेज निंचा को। सेनवाइटी नोक हुए हैं लेकिन टीम रेज के निंजा भी नोक हो चुके हैं। क्रैंकी ऑलरेडी काफ़ी लो है, कर्मा नोक पड़ा हुआ है, क्रैंकी इज द लास्ट मैन सर्वाइवल। जोन चल चुका है, जोन के अंदर पहुंचने का फुल फुल ट्राई क्रैंकी का, और वो हो भी गया है, पूरा जोन में तो पहुंच चुका है क्रैंकी, लेकिन सोलो प्लेयर गया है क्रैंकी को पड़ेगी। टीम XD यहाँ से एक अच्छी फाइट निकालती हुई, सेनवाइटी क्लोता नोक पड़ा हुआ था वो भी रिवाइवल हो रहा है, फुल टीम बची है टीम XD। 6 किल्स बोल्ट के पास हैं और H4K के पास है 7 किल्स, एंड टीम 6 किल्स ही हो चुके हैं अब टीम XD के पास भी। लेट्स सी नंबर एडवांटेज में पूरा जाता है टीम XD को चिकन डिनर, देखते हैं कौन लेके जाता है चिकन या किसके पास बनने वाला है ये जोन, अभी देखने को मिलेगा हमें। 90 यहाँ पर किलर बचा हुआ है, जे बचा हुआ है, ये दोनों ही प्लेयर्स जोन बन चुका है, जोन में दोनों ही टीम्स हैं। एक थोड़ा सा बोल्ट साबिर को जोन आना है, गिननेट जस्ट मुँह पे ही फूटा था जे के, बट अभी के लिए बच जाएगा जे। XD का एक और गिननेट आता हुआ प्रोन डाउन होकर अभी जे आगे की ओर जा रहा है। XD TPP लेके यहाँ पर आगे ब्रोकन पे खड़ा हुआ है, क्या XD स्पोर्ट कर पाया, आई थिंक सो हाँ कर लिया है शायद, जे को स्पोर्ट बिल्कुल स्पोर्ट कर रहा है। M4 6 एक्स्ट्रा स्प्रे यहाँ पे नोक देगा डेड XD को, और 90 किलर को भी यहाँ से। टीम XD के प्लेयर्स बहुत ही अच्छे तरीके से अपने 2 किल्स भी बढ़ाते हो, बोल्ट साबिर जो सोलो प्लेयर बचा हुआ है पीछे से यहाँ पर शॉट जरूर दिए थे सोलो प्लेयर ने, और ग्रेनेड कुक कर चुका है वो ग्रेनेड, काफ़ी कुक नहीं हो गया यहाँ, काफ़ी कुक ग्रेनेड यहाँ पे किलर की ओर बोल्ट साबिर की ओर से, और 7 देव 4 फेस्टेडिस एंड 3 ग्रेनेड के रूप में ग्रेनेड जरूर डाला है, लेकिन इस अगर यहाँ पे किल ले लिया जाए तो ग्रेनेड का फ़ायदा होगा नहीं, वो अपने ग्रेनेड से ही नहीं फूट जाए, अपने ही ग्रेनेड से इतना लो HP कि यहाँ से टीम बोल्ट का प्लेयर #2 ले आया अपनी टीम को।
टीम एक्स दी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से खेली, 9 किल्स के साथ चिकन लिया। टीम बोल सेकंड पोजीशन में था 6 किल, टीम एच 4 किल 7 किल के साथ थर्ड पोजीशन। टीम रे जाती है फिफ्थ पोजीशन पे 4 किल के साथ। टीम डैडी आती हुई 7 किल फिफ्थ पोजीशन, अच्छा खेली टीम डैडी भी आज काफ़ी अच्छा, 77 ऐसे 3 किल 6 पोजीशन एंड TW ऑफिशियल 7 पोजीशन एंड ऑल।